नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यूट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को सनई के फूल की रेसिपी बना के दिखाएंगे, तो वीडियो पर हमारे आप लोग बने रहिए। चलिए हम इसका फूल तोड़ लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, ये छोटा छोटा इसका फूल है। इसी को हम लेंगे, जो एकदम से फूल गया उसको नहीं लेंगे। और आज इसी का हम हरी सब्जी नहीं दिखाते, तो सारे फूल को हम इसी तरह तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों जितना हमें ज़रूरत है उतना फूल हम तोड़ लेते हैं इसमें से। इधर भी फूल है, छोड़ में तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों हमने आवश्यकता अनुसार देखिए फूल ले लिया है। चलिए आज इसी का रेसिपी आप लोगों को बना के दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा रेसिपी बनेगा। और आप लोग हमारे वीडियो को बने रहिए, काफ़ी अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। चलिए चलते हैं घर पे। तो दोस्तों हम घर पे आ गए हैं और सबसे पहले हम इसका डंठल निकाल लेंगे, उसके बाद इसको हम अच्छे से धुलेंगे। तो सनई के फूल की सब्जी में इसमें हम दो आलू डालेंगे। आलू को हम अच्छे छील लेते हैं, इसके बाद इसको धुलेंगे। तो सनई के फूल को हम अच्छे से धुल लेते हैं। तो फूल को हम दो पानी से धुल लिए हैं। तो आलू को हम पतले पतले काट लेते हैं। इधर हम आग को जला लेते हैं। तो आग को जला लिए हैं, कढ़ाई को रख देते हैं चूल्हे पे। आग हमारा काफी अच्छा जल रहा है, तो कढ़ाई हीट हो गया है। इसमें हम तेल डाल देते हैं। इसमें हम दो चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हमारा चटकने लगा है, इसमें हम सब्जी डाल देते हैं। चला देते हैं। तो सब्जी को हम अच्छे से चला देते हैं और सब्जी हमारा काफी जल्दी बन जाएगा। ये फूल की सब्जी काफी स्वादिष्ट बनने की हमारी अच्छी सब्जी।
यहाँ पे हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। लहसुन, अदरक, मिर्चा और हल्दी, इसको हम ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखने में काफ़ी अच्छा हमारा सब्जी लग रहा है। इसमें हम आवश्यकता अनुसार नमक डाल देंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, बहुत थोड़ा सा डालेंगे। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और सब्जी को हम ढक के पका लेते हैं। सब्जी को एक बार हम चला देते हैं। तो सब्जी को कम आंच में हम पकाएंगे, नहीं सब्जी हमारा जल जाएगा, तो इसको हम आंच को निकाल लेते हैं। तो सब्जी के साथ हम बनाएंगे रोटी, और रोटी बनाने के लिए हम आटे को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो सब्जी को हम चेक कर लेते हैं, सब्जी हमारा बन गया है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सब्जी हमारा फूल का सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। चलिए इसको हम कढ़ाई को उतार लेते हैं चूल्हे पर से। तो चकई को इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। तो चकई को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं रोटी बनाने के लिए। तावा हमारा हीट हो गया है, इसमें हम रोटी को डाल देते हैं। रोटी को हम उतार कर देते हैं। रोटी हमारा बन गया है काफ़ी अच्छा, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको दूसरी तरफ पलट देते हैं। सारे रोटी को हमने बना लिया है, काफ़ी अच्छा हमारा रोटी बना है आज का, आप देख सकते हैं। और चलिए हम रोटी सब्जी को थाली में सर्व कर लेते हैं। तो सब्जी को हम कटोरे में निकाल लेते हैं, काफ़ी अच्छा सब्जी हमारा देखने में लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सनई के फूल की सब्जी है, साथ में रोटी हमारा बनके तैयार है। काफ़ी जल्दी से हमारा सब्जी बनके तैयार है, काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी है। तो आप सब ऐसे एक बार घर पे बना के जरूर ट्राई करें। चलिए हम ज्योति को खिला देते हैं सब्जी और रोटी। दोस्तों विकास जी ने हमारे लिए सनई के फूल की सब्जी और रोटी बनाई हुई है, तो सबसे पहले मैं विकास जी को टेस्ट करा देती हूँ।
दोस्तों विकास जी ने सुने की फुल्की सब्जी करिए फिर से बोलूंगी। तो दोस्तों विकास जी ने सने के फूल की सब्जी और रोटी काफ़ी टेस्टी बनाई है, तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को विकास जी का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा वीडियो और शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विकास जी ने बहुत ही मेहनत से बनाई हुई है। तो दोस्तों हमारा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।